हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। अभी तक आपने क्लासेस में क्या क्या कर लिया, एक बार वो रिकॉल कर देता हूँ। हमने रेशो देख लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशो। के बाद हमने गुडविल देख लिए हैं। हाँ, गुडविल के मैंने डाउट नहीं लिए हैं तो, लेकिन मैंने गुडविल देख लिए, अभी कॉन्सेप्ट किए हैं। रिवेल्युएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट नहीं किया, पार्टनर्स कैपिटल कर लिया है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उस पर दो एग्जाम्पल छोटे छोटे से देखे थे हमने आपके बुक के, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को तब तक नहीं कर सकते, कुछ बच्चों का क्वेरी आया कि सर जर्नल एंट्री तो आपने कराए नहीं, लेकिन बोला तो जर्नल एंट्री है। देखो, मैंने इसलिए होमवर्क नहीं दिया अभी आपको, मैं कई क्लासेस से कह रहा हूं कि अभी आपको होमवर्क नहीं करना। रीजन है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, वीडियो देखने के बाद, आपको क्लासेस देखने के बाद आपको याद तो हो जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन देख करने बैठोगे तो फिर लगेगा यार तब तो बता रहे थे तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन अब हो नहीं रहा। लेकिन जो आप एडजस्टमेंट कर लोगे ना, अब इसके बाद अलग लेवल का आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि हम, मैं इस तरीके से एडजस्टमेंट लेके चलूं, और एसेट्स हमारे दो एडजस्टमेंट मेनली या तो एसेट्स पे होगा या लाइबिलिटी पे होगा। तो मैं एक बार सारे एसेट्स एसेट्स के एडजस्टमेंट करवा दूं, एक दो पॉइंट बना के, ताकि आपके नोट्स भी बन जाए, और जो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे आपका लगभग डेथ का कॉन्सेप्ट हो, तो सब में एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा। मुझे हर बार एडजस्टमेंट नहीं कराना पड़ेगा फिर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एडजस्टमेंट करा दूं, और एडजस्टमेंट जो है हम एसेट्स के ऊपर पहले पूरा खत्म करेंगे, फिर लाइबिलिटी पे, ठीक है ना। अच्छे से नोटिंग करने हैं और अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। कुछ बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे कि सर थोड़ा सा डिले हो गया। हाँ, थोड़ा सा डिले हो गया, मैं मानता हूँ, लेकिन आगे डिले नहीं होगा, आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट कैसे कराना है, नहीं कराना है, क्योंकि हमें भी ना बच्चों को किस तरीके से कराना है इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, बहुत चिंतित रहता हूँ इस बात को लेके, कि अब बच्चों को इस तरीके से लेके चलना चाहिए, अब इसका ये रहता है तो ये ऐसे कराना चाहिए, तो काफी सोचता रहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो उस बात पे लेके थोड़ा सा, एक आध दिन का मैंने वैसे क्लासेस तो दी है आपको, रिकॉर्डेड थी, लेकिन अब कंटिन्यू ही है क्लास हमारी, ठीक है। स्कूल आपके कुछ पता नहीं चल रहे कब से खुलेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस मन लगा के पढ़िए। सबसे पहले ना एडजस्टमेंट जो एसेट्स ए कर दूंगा और लाइबिलिटी बी, हम ना एसेट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो एसेट्स पे पॉइंट नंबर वन एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डेप्रिसिएशन का, पॉइंट नंबर वन है ना, डेप्रिसिएशन। बोलोगे सर डेप्रिसिएशन तो पता है, मैं बेसिकली एडजस्टमेंट कराने का मतलब क्या, आपको पता तो है क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इस एसेट्स पे। कराने का मतलब यही है कि आपको एक्चुअल इसकी लैंग्वेज पता चले। मेन तो क्वेश्चन पढ़ने में होता है ना सर, ये लाइन समझ में नहीं आ रही थी, उसी लाइन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आज। डेप्रिसिएशन सर कैसा डेप्रिसिएशन होगा, सपोज करो हमारे पास एक बैलेंस शीट है, सपोज करते हैं बैलेंस शीट है और ये एसेट है, और सॉरी ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है, समझ रहे हो ना। आज का जो टॉपिक है सबसे आसान टॉपिक, और मान के चलो ये करने के बाद हमारा काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम मान लेते हैं मैं कुछ एसेट्स लिख रहा हूं यहां पे, जैसे मशीनरी, मशीनरी के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, ठीक है। इन तीनों पर एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है। मैंने मशीनरी लिखा, बिल्डिंग लिखा, फर्नीचर लिखा, इन तीनों पर एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले वैल्यू भी लिख दूं, चलो ठीक है। मान लो 10,000, मान लो 100 के, और मान लो 20 के, अजम्पशन।
लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर वन, मशीनरी, मशीनरी डेप्रिशिएट बाय, मशीनरी डेप्रिशिएट, थोड़ा शॉर्ट यूज कर रहा हूं मैं वर्ड बाय, यहां बाय देखो मैंने रेड मार्कर से लिखा है, मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 10%। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मशीनरी की वैल्यू है वो 10% से कम हो गई। तो आप मुझे बताना है कि रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा, टू साइड या बाई साइड? एसेट्स अगर घटता है तो नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन के कहाँ जाएगा, टू साइड। लो मैं यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन भी, और मैं आपसे पूछता जाऊंगा, ये फॉर्मेट है मेरा रिवैल्यूएशन का, ठीक है? तो आप बोलोगे सर ये रिवैल्यूएशन के टू साइड में आ जाएगा मशीनरी, और 10% बोला है तो मींस 10,000 का 10% कम होगा तो 1,000 है ना, यही रहेगा ना 1,000। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, किस तरीके से एडजस्टमेंट को करोगे, वही चीज मैं बताऊंगा। हर एडजस्टमेंट की दो एंट्री, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके नोट्स बन जाए अच्छे और लाइफ टाइम तक काम आए। एक तो हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा और एक क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। लॉजिकली भी देखना आप, ठीक है ना, रट्टे मारने वाले काम मत करना, समझ के करोगे जिंदगी भर साथ रहेगा ये। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड जाएगा ये, देखो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड गया है ना, डेबिट साइड जाएगा कहां पे, ये रीवैल्यूएशन के, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड आ गया। क्रेडिट साइड, अब इसको एडजस्टमेंट पता है कैसे करेंगे, कितने रुपए आएंगे आपको तो पता ही, 100 के 1 के एडजस्टमेंट पता है क्या करते हैं हम नॉर्मली, अगर डेप्रिसिएशन बोला है तो लेस यहां कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन, और 1 के माइनस कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगा 9 के यहां आ जाएगा। तो आप बताओ जब कोई चीज हम एसेट्स में से, डेबिट वाले आइटम में से कोई चीज माइनस करते हैं तो इम्पैक्ट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? तो जवाब आपका आया सर ये तो इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो दूसरा कहां जाएगा, लेस फ्रॉम, फ्रॉम, मैं यहां एसेट लिख रहा हूं। अब एसेट्स लिखने का ना रीजन है, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मशीनरी पे ही डेप होगा, फर्नीचर पे भी हो सकता है, बिल्डिंग पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है डेप्रिसिएशन, तो लेस फ्रॉम इसलिए एसेट्स लिख दिया। अब आप ये मत सोचना कि लेस फ्रॉम एसेट्स लिखा तो सर मशीनरी पे लिखा है, बिल्डिंग में से एक बार माइनस कर दो, नहीं करेंगे हम मशीनरी में से ही, या लेस फ्रॉम आप मशीनरी भी लिख सकते हो। जर्नल एंट्री, देखो जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो दो जगह इंपैक्टेड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मेरे हिसाब से जर्नल एंट्री आपको समझ आ रहा होगा कि डेबिट रिवैल्यूएशन हो रहा है और क्रेडिट मेरा एसेट्स हो रहा है। लॉजिक के साथ देखो, डेबिट हमारा क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन, तो जर्नल एंट्री क्या होगा हमारा, इसका एडजस्टमेंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा हमारा एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, लेकिन एसेट्स में क्या है, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, समझ रहे हो ना बात को? मेरे हिसाब से आपको लॉजिकली भी समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं तो मैं सीधा सीधा जर्नल एंट्री करवा देता पहले और फिर आप बोलते हाँ सर हाँ आ गया, और यहां पे 1 के बीइंग क्या लिखोगे, मशीनरी रीवैल्यूएड या मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है ये लिखेंगे। तो मैं एसेट्स के ऊपर सबसे पहले मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट लिया है, अब मैं और आगे भी लूंगा तो एक एक करके आप नोट करना, बड़े सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करना है,
कुछ बच्चों के रजिस्टर के आते तो हैं मेरे व्हाट्सएप पे, तो मजा आ जाता है उनके रजिस्टर को देख के कि भाई कितने अच्छे से राइटिंग से नोट किया, दो पेन यूज किया और अच्छे से काम किया। तो वैसे आपने करना है, तो एक बार इसको नोट करिए। फिर हम एडजस्टमेंट नंबर डेप्रिसिएशन का ही रहेगा, उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे हम, ठीक है ना? तो हम इतने अच्छे से करेंगे इसको कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बस हमें एग्जाम में जाके डन करना है, आता है हमें, इस तरीके से लेके चलेंगे। चलिए फटाफट से एक बार नोट करिए इसे। कर लिया नोट? हाँ सर, नोट कर लिया। चलिए, दूसरा डेप्रिसिएशन कैसे हो सकता है? दूसरा डेप्रिसिएशन हो सकता है मे बी पॉइंट नंबर टू। मैं भी डेप्रिसिएशन पे चर्चा कर रहा हूं, पॉइंट नंबर टू। दूसरा हो सकता है, जैसे बिल्डिंग पे ले लेते हैं, बिल्डिंग डेप्रिशिएट, बिल्डिंग डेप्रिशिएट टू 90%। अब अलग मार्कर से लिखा है मैंने इसलिए, ठीक है ना? स्पेशली इसलिए मैंने लिखा है अलग मार्कर से, ताकि आपको समझ में आ जाइए। पहले यहां बाय लिखा था, अब टू। इस सेंटेंस का मतलब है कि बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दो 90% तक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं, सर ये भी तो आसान ही है, इसमें क्या करना? बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ तो बिल्डिंग नुकसान है, तो यहां आ जाएगा टू बिल्डिंग। मैंने बोला यहां तक तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन कितना बिल्डिंग लिखेंगे यहां पे, ये तो बताओ। तो बोला सर 90% है तो 90% माइनस करो ना, और बच गया आपका 10K। यही गलती है। उसने बोला 290% का मतलब है कि बिल्डिंग को डेप्रिशिएट 90% तक, मतलब अब 90% का वैल्यू रह गया है, अब रह गया है। इस टू का मतलब है कि अब रह गया है। अब मैं आपसे बोलूं, आपका मोबाइल फोन 20,000 रुपए का है, अब उसका वैल्यू 15,000 रह गया है, तो डेप्रिसिएशन बताओ फटाफट। सर 20 का था, 15 रह गया है, तो 5,000 रुपए होगा डेप्रिसिएशन। सेम वही बात तो है। तो अब 90% वैल्यू रह गया है, डेप्रिशिएट टू 90%। तो इसका मतलब, इसका आंसर तो सर इस तरीके से होना चाहिए कि 90% रह गया है तो डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 10 ही तो लगा है। देखो घुमा के पूछा, और यहां आपको घुमाना बहुत आसान है, तो 10% डेप्रिसिएशन, यानी 10K ही माइनस होगा और 90K बचेगा, और यहां पे 10K होगा। समझी बात आप? अगर मैं लिखता बिल्डिंग डेप्रिसिएशन बाय 90%, तो जो पहले किया था वो 100% ठीक था, लेकिन क्योंकि टू वर्ड है इसलिए इतने का रह गया है। अब बताओ ये दो जगह कहां कहां जाएगा, आपको बताना है। देखो मैं बोल रहा हूं, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, बताइए दो जगह डेबिट कहां कहां, और एक डेबिट कहां और एक क्रेडिट कहां। तो देखो डेबिट तो रिवैल्यूएशन में है, तो आंसर रिवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। कितने रुपए से जाएगा बताओ? 10,000 से, बिल्डिंग की बात है। दूसरा क्या होगा? लेस फ्रॉम बिल्डिंग, लेस फ्रॉम बिल्डिंग। क्यों लेस? क्योंकि डेप्रिसिएशन है भाई, लेस फ्रॉम बिल्डिंग। चलो जनरल एंट्री बता दो क्या क्या होगा, सोचो। रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे। ये बात समझ रहे हो ना, बिल्डिंग को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि डेबिट वाले आइटम को अगर माइनस करते हो तो क्रेडिट ही होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू
टू बिल्डिंग, बींग क्या होगा? बींग रीवैल्यू, बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय, बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 10%, ठीक है ना? देखो 90% था लेकिन काम सारा 10% से किया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मैं जैसे बता रहा हूं इसको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में नोटिंग होना चाहिए, उसे मुझे कुछ, मैं कुछ नहीं जानता, वो मुझे चाहिए तो चाहिए। चलिए सेकंड, अभी डेप्रिसिएशन पे ही चर्चा चलेगा, एक एक पॉइंट को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आपकी टेंशन दूर, समझो आपने किया तो गारंटी है कि टेंशन बिल्कुल खत्म। एक बार फटाफट से नोट करिए इसको, आप करिए नोट जल्दी जल्दी, फिर हम अगले देखेंगे इसी का पार्ट थर्ड। कर लिया नोट? हाँ सर, नोट कर लिया हमने। आप मिटा दो इसे। बिल्कुल बच्चे, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। सर आप अगर नहीं भी मिटाओगे, हमने तो नोट कर लिया है, और वैसे भी हम तो बड़े चालाक बच्चे हैं, हम तो वीडियो को रोक रोक कर नोट बन कर लेते हैं। आप लिख के फटाफट मिटा दिया करो, हमें फर्क नहीं पड़ता सर, हम तो चालाक बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलो अब ऐसा ही करेंगे। थर्ड नंबर मैंने लिखा फर्नीचर, वैल्यूड वैल्यूड रुपीस 90,000। पहले परसेंटेज में बोल रहा था डेप्रिसिएशन, अब मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला, ठीक है? इसका मतलब क्या है? क्या कोई बच्चा बताएगा, जल्दी जल्दी बताएगा? हाँ सर, कि फर्नीचर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 19,000 रुपए की है। वैल्यूड का मतलब इसकी वैल्यू अब, पहले का नहीं पता, अब जो है वो 19,000 रुपए की है। अच्छा कैसे करें सर इसको? सिंपल, लेस, पहले तो 20 की थी ना, तो अब 19 की हुई तो घटा ही है भाई, तो घटा क्यों होगा? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 1,000, तब बचा हमारा 19 के। अब दूसरी एंट्री कहां करेंगे? यहां पे फर्नीचर 1 के। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। तो पहले देखो मैंने परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अब देखो क्या यहां परसेंटेज है, वैल्यूड दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन। और मजे की बात बोलूं तो फर्नीचर का वैल्यूड कई बार स्टॉक पे भी दे देता है, जैसे स्टॉक मान लो मेरा होता 20 और बोलता है स्टॉक वैल्यूड 19,000, तो भी आप मान लेते कि इस स्टॉक पे वैसे डेप्रिसिएशन नहीं लगता स्टॉक के ऊपर, लेकिन लिख दो तो चल जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, उसमें चिंता नहीं करना, ठीक है? अब बताओ भाई, फटाफट बताओ कि दो जगह एंट्री कहाँ होगी। अब बताओ, अब बच्चे बता रहे हैं कि सर हम बताएंगे इसे, हम बताएंगे। अच्छा जी आप बताओ। सर एक तो हमें डेबिट करना पड़ेगा और एक हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, वो तो पता ही है कि एडजस्टमेंट की दो एंट्री होगी। डेबिट बताओ। सर डेबिट हम रीवैल्यूएशन में करेंगे, रीवैल्यूएशन में अकाउंट में, और क्रेडिट हम लेस फ्रॉम कर देंगे एसेट, लेस फ्रॉम एसेट। अच्छा अब जर्नल एंट्री बता दो जरा। सर जर्नल एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टू फर्नीचर अकाउंट, अब 19,000 या 1,000? आंसर है 1,000, ठीक है? बिंग क्या लिखोगे? फर्नीचर नाउ वैल्यूड
रुपीज 19,000 या फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 1,000, दोनों ही लिख सकते हो। समझ में आया ये? अरे बोलते क्यों नहीं, समझ में आया या नहीं? आया ना समझ में, नोट करिए इसको भी। फिर भी आपने तो बोला सर फटाफट मिटा दिया करो, लेकिन क्या करूं, मैं थोड़ा वक्त तो दूंगा आपको ताकि आप इसे नोट कर पाओ, ठीक है? चलिए देखो, तीन हो गए डेप्रिसिएशन पे, बोलने के तरीके देखो किस तरीके से हैं। चलो मिटा दे। हाँ सर मिटा दो। एक यहां पे एसेट्स और ले लिया जाए, है ना, इसे हटा देते हैं। एक एसेट्स और ले लिया जाए, ये एसेट्स का साइड ही है। एसेट्स में कौन सा एसेट्स ले, कौन सा ले? प्लांट। सर प्लांट और मशीनरी अलग होता है? सेम ही होता है बच्चे, लगभग लगभग। प्लांट 100K, ठीक है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, मिटा दूं मैं। अब डेप्रिसिएशन पे ही चौथा पार्ट, बहुत मेहनत करवा रहे हो आज आप। सर बिना मेहनत के तो फल भी नहीं मिलता, बिल्कुल सही। फोर्थ पार्ट डेप्रिसिएशन का ही, मैंने बोला प्लांट ओवरवैल्यूड। सारी बातें माइंड में रखना है, ओवरवैल्यूड बाय 5,000। प्लांट ओवरवैल्यूड बाय 5,000। सर इसका क्या मतलब ओवरवैल्यूड का मतलब? ओवरवैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा। तो प्लांट ओवर वैल्यूड बाय 5,000, इसका मतलब है कि जो मेरा प्लांट यहां पे गिवन है पहले से, जो प्लांट दे रखा है, क्योंकि ओवर वैल्यूड है, वैल्यूड क्या है? सेकंड फॉर्म। तो जो प्लांट दे रखा है वो 5,000 से ज्यादा लिखा हुआ है। ओहो, इसका मतलब हमारा ये प्लांट जो है वो 1 लाख का नहीं होना चाहिए, 100K का नहीं होना चाहिए, ये 5,000 से ज्यादा लिख रखा है। तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट जवाब बताओ। 100K नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ये लो 1 लाख, 1 लाख, ठीक है? कि जो प्लांट 1 लाख का दे रखा है वो ज्यादा लिखा हुआ है, कितने से ज्यादा लिखा हुआ है? 5,000 से ज्यादा लिखा हुआ है। अच्छा सर, तो इसका मतलब मेरा ये प्लांट तो 1 लाख होना ही नहीं चाहिए। नया पार्टनर तो गुस्सा हो जाएगा, वो बोलेगा सही से वैल्यूएशन करो। तो यहां पे जो प्लांट होना चाहिए उसमें से माइनस करो ना, तो माइनस करने की वजह बताओ। डेप्रिसिएशन कितना ज्यादा लिख रखा है, 5,000, तो अब कितना बचा? 95K। क्या बताओ, ये भी डेप्रिसिएशन है? इसको देख के लग रहा था कि डेप्रिसिएशन है हमारा? नहीं लग रहा था। तो अब यहां पे मैंने लिखा टू प्लांट, टू प्लांट 95K। ओहो गलत लिख दिया, टू प्लांट 5K। अच्छा जी चलो, टू प्लांट 5K। अच्छा दो जगह एंट्री बताइए। सर मैं बताता हूं दो जगह, एक डेबिट करो और एक क्रेडिट करो। अरे ये तो जग जाहिर है, ये तो हर किसी को पता है, डेबिट में क्या होगा क्रेडिट में, ये बताओ नालायको। सर नालायक मत बोलो। चलो ठीक है, क्या क्या होगा? एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। डेबिट में होगा हमारा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिट में क्या होगा? लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम एसेट्स। जनरल एंट्री बताओ, जनरल एंट्री बताओ। सर बड़ा ही आसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू किस पे लगाए भाई? ये प्लांट पे, कितने रुपए से? 5K से, है ना? चलो आ रहे हैं समझ में? देखो डेप्रिसिएशन के हम 4 पॉइंट्स कर चुके हैं,
अगर यही एडजस्टमेंट में होता तो आप बार बार पूछते, सर वो डेप्रिसिएशन वाला नहीं आ रहा, सर इसका मतलब क्या है, मैं बार बार बताता, उससे अच्छा एक बार मैं पूरा डिटेल बता ही दूं, उसके बाद आपके पूछने का झंझट ही खत्म और पूरा एकदम आपके खून में मिल जाएगा ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये रिवैल्यूएशन है, अभी मैं मिटाऊंगा इसे, ठीक है? करिए अब इसको नोट। फोर्थ, फिफ्थ भी देखेंगे। अच्छा सर कितने डेप्रिसिएशन कराओगे? फिफ्थ पार्ट भी देखेंगे। करिए, चलो मिटा दे। हाँ सर मिटा दो, ये मिटा देता हूँ यहाँ से, प्लांट भी मिटा देता हूँ। ओहो सर प्लांट क्यों मिटा दिया, यहाँ से ये भी मिटा देते हैं, ठीक है ये लो। लो जी लो, और यहां से ये भी मिटा देते हैं। सर नोट करने देते, अरे भाई मैं तो आपके हिसाब से चलता हूं, मेरी इतनी कहां हिम्मत कि आपको नोट करने से मना करूं। फटाफट बटन दबाओ, मुझे रोको और नोट करना स्टार्ट। फिफ्थ पार्ट, मान लो मैं यहां ले लेता हूं, स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है स्टॉक, वैसे तो फिक्स एसेट नहीं है, डेप्रिसिएशन वाला मसला नहीं है यहां पे, लेकिन वैल्यू कम होगा तो ट्रीटमेंट वैसे ही रहेगा, इसलिए मैं स्टॉक ले रहा हूं। स्टॉक, स्टॉक मान लेते हैं हम, एटी वन हंड्रेड, ठीक है मैंने लिखा स्टॉक, एटी वन की जगह पे ना हम 11,000 ले ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टॉक ओवर वैल्यूड, बाय 10%। इसका जवाब बताओ कौन कौन देगा? मैं 30 सेकेंड रुकूंगा पूरे आपके लिए। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10%। कुछ बच्चों के जवाब भी आने, सर हम जवाब देंगे, बिल्कुल सर दो जगह एंट्री कर दो इसकी, मैं बिल्कुल, मैंने बच्चे दो जगह करेंगे एंट्री, आपने बोल दिया तो मैं मना करने वाला कौन होता हूं। सर एक डेबिट ही कर दो और एक क्रेडिट कर दो, बिल्कुल बच्चे एक डेबिट और एक क्रेडिट कर देते हैं। सर डेबिट में कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल बच्चे डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। सर क्रेडिट कर दो, ओहो सर बताया तो है नहीं ये क्या होता है, अरे आपको तो पता ही है। कुछ बच्चे के माइंड में क्या सोच रहे हैं, ओवर वैल्यू 10%, यानी ये ज्यादा है, हमारा स्टॉक, हमारा स्टॉक, स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं हम स्कन, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय, हमारा स्टॉक ज्यादा है, यानी जो स्टॉक लिखा है वो ज्यादा है, इसको ठीक कर दो ना। मतलब वेरी सिंपल, बच्चे बोलते सर वेरी सिंपल, बच्चों वाले क्वेश्चन ना पूछा करो मेरे से। मैंने बोला अच्छा माइनस करो यहां से, डेप्रिसिएशन लिख नहीं सकते लेकिन लिख सकते हो आप, लिख दो फिलहाल इसका 10%, 1100, और यहां पे लिखो स्टॉक रिवैल्यूएशन में 1100। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बच्चे ने पूछा, मैंने बोला बच्चे तभी तो आप पढ़ रहे हो मेरे से, बिल्कुल गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब है सर, ये क्या मांझ रहा है इसमें, ये क्या बात है जिसके अंदर आपने कि इसको गलत कर दिया है। सुनो मेरा स्टॉक
10% से ज्यादा है, अमाउंट नहीं बताया, तो 10% से ज्यादा का मतलब होता है कि जो मैंने स्टॉक दिया हुआ है, जो मैंने स्टॉक दिया हुआ है 11,000 रुपए का, इसमें 10% एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। समझो मेरी बात को, इसमें 10% एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो हमें ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। तो हम करेंगे भाई डिवाइडेड बाय 110। कोई चीज भी हमेशा बेस वैल्यू कितना लेते हो, या तो 1 लो, या तो 100 लो, या तो एक्स लेते हो, यही लेट करते हो ना, तीन चीजें, तो 100 मानते हैं, तो 100 होना चाहिए। और मैं बोलता हूं ये चीजें 10% एक्स्ट्रा है, तो कितना होगा ये 100 में 10% एक्स्ट्रा, यानी 110। तो यानी 110% के बराबर है, और यहां वैल्यूएशन हमेशा 100% के बराबर होता है, मतलब जो एक्चुअल है। तो कितना ज्यादा है 10%, तो 10% निकाल लो ना आप। अगर मैं बोलता ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो होता 11,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 20। समझ रहे हो ना बात को? अगर मैं बोलता है भाई 15%, अब बताओ, तो होता डिवाइडेड बाय 115 इंटू में 15। मैं बोलता चलो होता 2.5%, अब बताओ आप, 2.5%, 2.5%। तो मैं बोलता वेरी सिंपल, डिवाइडेड बाय 102.5 इंटू में 2.5। समझ रहे हो ना, 0.5 का होता तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो आप। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया सर 10, 10 कैंसिल, ये, अरे ये तो 1,000 आया। बिल्कुल, पहले क्या लिखा था आपने 1,100, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो वैसे स्टॉक कितने होने चाहिए? कम 1,000 से, और यहां कम 1,000। अब बात समझ आई ना, लेस हो जाएगा हमारा फ्रॉम स्टॉक, लेस फ्रॉम स्टॉक। एंट्री सर वेरी सिंपल, एंट्री रीवैल्यूएशन। ओहो, रीवैल्यूएशन पूरा लिख दिया इस बार, टू स्टॉक, टू स्टॉक कितने से, 1K से। तो देखो साथ के साथ जनरल एंट्री के साथ बीइंग क्या लिखेंगे, सेम स्टॉक वैल्यूड या ओवर वैल्यूड बाय 10% लिख सकते हो, है ना, साथ के साथ लिख रहे हैं। अब देखो मैंने डेप्रिसिएशन के कितने पॉइंट बता दिए, पूरे पांच, पांच पॉइंट हुए ऐसे। अब हम अगला होगा सेकंड एडजस्टमेंट, अभी पहला ही एडजस्टमेंट था और पहला एडजस्टमेंट का पांच, फटाफट पांचों एडजस्टमेंट को गो थ्रू करो, जल्दी जल्दी देखो, फटाफट से देखो आप पांचों एडजस्टमेंट को। जल्दी जल्दी देखना पांचों एडजस्टमेंट को। हाँ जी बच्चे, डेप्रिसिएशन का तो देख लिया, नंबर कौन सा था एडजस्टमेंट 1, 1 के कितने पार्ट देखे, 5। अब हम अगले एडजस्टमेंट को देखेंगे, है ना, समझ आ रहा है ना, बोलते क्यों नहीं, समझ आ रहा है? हाँ सर। अब देखेंगे हम एप्रिसिएशन का, सर ये क्या होता है? बच्चे एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू में वृद्धि, इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू। क्या सर इसके भी पार्ट करेंगे? हाँ बच्चे बिल्कुल, हम इसके भी पार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा जब तक मैं डिटेल में ना करा दूं, तो मेरा मन मानने वाला है नहीं, और जब मेरा मन नहीं मानता तो भाई फिर मैं तो फिर कैसे कराऊंगा आगे, बताओ। पार्ट 1, मशीनरी,
सिंपल, पहले मशीनरी चाहिए, एप्रिशिएट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एप्रिशिएट बाय 10%, मशीनरी एप्रिशिएट बाय 10%। यहां पे ना मैं पर एनएम भी लिख देता हूं, कई बार आप देखोगे, और कई बार फ्लैट रेट गिवन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ? अब दो जगह दिखाने हैं, बताओ हाँ या ना। अब बताओ कहाँ कहाँ दिखाएंगे सर? एक डेबिट दिखाओगे आप और एक क्रेडिट दिखाओगे आप, लेकिन पहले मतलब समझाओ। इसका मतलब है कि मेरा मशीनरी जो है वो बढ़ गया है, मेरा मशीनरी 10% से बढ़ गया है। बाय का मतलब है से। तो सर जो पहले मेरा मशीनरी 10,000 का था वो 10 का नहीं होगा, 10 से ज्यादा का होगा। तो सर कितना ज्यादा होगा? तो सिंपल सा, ये मशीनरी में हम प्लस करेंगे वैल्यू में, एड एप्रिसिएशन 10%, यानी 1,000, 10% यानी 1,000, तो 11 का हो गया। अब रिवैल्यूएशन में बताओ कहाँ जाएगा? जब मेरा एसेट्स बढ़ा है तो फायदा नुकसान सोचो। मैंने बोला था ना कि इधर लॉस आता है और इधर सारा बेनिफिट आएगा, प्रॉफिट। तो बताओ क्या हुआ? 10 का सामान 11 का हो गया एसेट, तो सर फायदा हुआ है। तो बाय में लिखो ना, बाय मशीनरी 1,000 रुपए। समझ में आया? तो अब बताओ डेबिट किसको करें सर? रीवैल्यूएशन। गलत जवाब। डेबिट करेंगे एसेट्स को, ऐड, डेबिट क्या होगा? ऐड इन एसेट या मशीनरी। इसका मतलब यहां डेबिट हो रहा है मशीनरी। क्रेडिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। क्रेडिट क्या होगा हमारा? रीवैल्यूएशन। सर जर्नल एंट्री, आप देखो जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन कितने से? 1,000 से। सर बीइंग भी लिख दो ना इसका, ये तो नई चीज सिखा रहे हो। बिल्कुल लिख देते हैं, बीइंग मशीनरी एप्रिशिएट बाय 10%। बस सिंपल। समझ में आया कि मशीनरी हमारा क्या हो गया? यहां पे एप्रिशिएट हो गया है। अब फटाफट से एक बार नोट करिए, जल्दी जल्दी, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करना है आपने। सर हटो तो सामने से, लो हट गया। एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको नोट करिए। कर लिया? हाँ सर कर लिया। अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। समझ में आया ना ये मशीनरी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट्स का बढ़ना यानी डेबिट वाले आइटम को इंक्रीज करने के लिए डेबिट, और फायदा क्रेडिट होता है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। ठीक है ना? रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखना ये बातें। इसका नेचर क्या होता है? एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर नॉमिनल होता है इसका नेचर। बिल्कुल ठीक। चलो सेकेंड पार्ट, ये लो टेक सेकंड पार्ट। मैंने लिखा बिल्डिंग, या मैंने लिखा है बिल्डिंग, लिखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग वैल्यूड रुपीस 1,10,000। अब इसका मतलब समझाओ भाई। वैल्यूड का मतलब अब
अब इतने का है, अब बिल्डिंग वैल्यूड ₹110। इसका मतलब जितने का भी बिल्डिंग था वो तो है, लेकिन उसकी वैल्यू आज की डेट पे, आज की तारीख पे कितनी है? 1,10,000। तो अंदाजा लगाओ क्या हुआ सर। अंदाजा पहले तो 1 लाख का था, अब 1,10,000 तो प्लस हो गया ना सर। बढ़ा दो ना इसे, बढ़ा दो इसे, यानी एप्रिशिएट कर दो। बढ़ाने का मतलब एप्रिशिएट ही तो होता है। कितने से बढ़ गया? 10,000 से, और अब हो गया 110 के। ठीक है सर, दो जगह एंट्री जाएगी इसकी। ओहो, आपको पता चल गया। एक जाएगी सर डेबिट में और एक जाएगी क्रेडिट में। हाँ सर, अब बताओ मेरा बिल्डिंग जो 1 लाख का था वो 1,10 का हो गया, तो फायदा है नुकसान है? सर फायदा है। इसे बाय साइड में लिखो, बिल्डिंग बिल्डिंग 10K, यानी डेबिट होगा हमारा एड। डेबिट क्या होगा हमारा? डेबिट होगा बिल्डिंग, एड इन बिल्डिंग। दूसरा एस्पेक्ट देखे तो क्रेडिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। समझ में आया कि मेरा बिल्डिंग इतने से बढ़ गया। जनरल एंट्री सर, ये लो जनरल एंट्री, बड़ा आसान जनरल एंट्री है, रीवैल्यूएशन। ओहो सर, रीवैल्यूएशन डेबिट क्यों? बिल्डिंग को डेबिट करो। हाँ बच्चे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एक बच्चा बोल रहा है सर डेप्रिसिएशन में माइनस हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। उल्टा तो गया, बिल्कुल सही, रीवैल्यूएशन। सर आप दूसरा टॉपिक कराओ ना, ये समझ गए आप तो, समझ गए। लेकिन मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूं, एग्जाम से पहले कोई टेंशन नहीं। आपसे बोला जाए कि भाई 10 मिनट में आप इस चैप्टर को रिवाइज करो, तो इस तरीके से नोट्स बनाएंगे कि 10 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज। बीइंग क्या लिखेंगे? बिल्डिंग वैल्यूड या बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10,000। ठीक है ना, लिख दूं क्या? आप तो नोट करोगे ना, लिख देता हूं। बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10,000। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। नोट करिए इसको। फटाफट से। कर लिया नोट? तीसरे एस्पेक्ट पे चले? हाँ सर, कर लिया नोट, तीसरे एस्पेक्ट पे चलो। चलो मिटा दिया। क्या इसके भी 5 पॉइंट कराओगे सर? देखते हैं कितने पॉइंट होता है। स्टॉक के ऊपर, स्टॉक की वैल्यू ना मैं कर देता हूं 8,100। ठीक है, मैंने लिखा है स्टॉक अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड बाय 400। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी मीनिंग देखो। पहले ना मैं हिंदी में इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। देखो नॉर्मली हमें समझ में आना मेन चीज चाहिए, बाकी तो लिखा इंग्लिश में ही है जो भी है।
मतलब हिंदी में एक जो रस है वो इंग्लिश में नहीं है। रस समझ रहे हो ना, किस रस की बात कर रहा हूं मैं? तो स्टॉक अंडर वैल्यूड, यानी स्टॉक अंडर वैल्यूड का मतलब, अंडर का मतलब कम, वैल्यूड का मतलब हो चुका है, कम है। हमारा स्टॉक 400 रुपए से कम है। तो बताओ, नया पार्टनर जो आएगा वो बोलेगा भाई तुम्हारा स्टॉक तो 400 से कम है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपने नए पुराने पार्टनर को अपनी बैलेंस शीट सुधारनी तो पड़ेगी। तो सुधारने के लिए बताओ क्या करेगा? वो बोलेगा भाई 400 से कम है ना, चलो इसको ठीक करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं एप्रिसिएशन, ऐड कर देते हैं एप्रिसिएशन 400, और 8500 हो गया, खुश हो गए। बोला हाँ, खुश होने वाली कौन सी बात है इसमें, मैं तो सही और गलत बता रहा हूँ, इसमें क्या खुश होऊंगा मैं। ओहो, नाराज है पार्टनर। स्टॉक फायदा है ना भाई, 400 का फायदा, इसलिए। समझ में आया? अब इसकी कितनी एंट्री? दो एंट्री, दो एंट्री, दो एंट्री। कौन कौन सी एंट्री? एक डेबिट और एक क्रेडिट, दो एंट्री होगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सर डेबिट में डेबिट, क्रेडिट, ओके। डेबिट होगा हमारा स्टॉक, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है, तो ऐड इन स्टॉक, एक तो ऐड हो जाएगा स्टॉक में, दूसरा रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, ये है ना, रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। चलिए, जनरल एंट्री बता सकते हैं क्या? हाँ सर, स्टॉक डेबिट है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन 400, 400 है ना। बीइंग क्या लिखेंगे? स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 400, ये अब आपने लिखना है। थोड़ा काम मैं आपको देता हूं। तो थर्ड पार्ट समझ में आया? देखो, अंडर वैल्यूड, लेकिन माइंड क्या कहता है? अंडर वैल्यूड मतलब तो सर कम होता है, तो स्टॉक तो 400 रुपए से कम है। हाँ बच्चे, वही तो बोल रहा हूं, स्टॉक 400 से कम है, तो उसे ठीक करने के लिए क्या करोगे? सर उसे बढ़ाएंगे। सही बोल रहे हो सर, लॉजिक बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसको नोट करिए, टू का स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 400, फटाफट नोट करिए इसको। इसके बाद हम अगले फोर्थ पार्ट पे चलेंगे, है ना, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। फोर्थ पार्ट देखिए, स्टॉक पे ही लेता हूं मैं फोर्थ पार्ट, ठीक है? तो क्या होगा फोर्थ पार्ट में, मैं यहां से मिटा देता हूं और यहां से मिटा देता हूं, थोड़ा चेंज कर देता हूं, रहना तो यही है, मैं थोड़ा अपना काम आसान कर रहा हूं। स्टॉक अंडर बाय 10%, बाय 10%, तो जो हमारा स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है 10% से। इसका क्या मतलब हुआ कि सर जो आपका स्टॉक है ये 10% कम दिखाया हुआ है, इसका मतलब तो क्या है? कम है। अंडर का मतलब कम है, तो ठीक करना पड़ेगा भाई, कम है तो कम 10%। अब बताओ, मैं इसके अंदर एप्रिसिएशन 10% लगा दूं? हाँ सर लगा दो, 10% लगा दो। तो बताओ 10% कितना होगा? क्या ये होगा? बिल्कुल 10% यही होगा। क्या बताओ, 10% मैं यहां भी लिख दूं फायदा है, मेरा स्टॉक बढ़ रहा है तो मेरा फायदा है? हाँ सर। अब मुझे बताइए क्या आंसर ये ठीक है? जवाब है मेरा, ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये आंसर क्या है? बिल्कुल गलत है सर, ये तो सही लग रहा था हमें, आप बोल रहे हो गलत है। हाँ जी,
जब अंडर वैल्यूड बाय 10% कहा गया है, तो ये जितने प्रतिशत होगा वो 10%, हमेशा बेस क्या होता है, 100, 100 होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ भाई जो ये तेरा है ना, 100 होना चाहिए, लेकिन 10% कम है, तो कितने परसेंट के बराबर है, 90। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मार्कर कहाँ गया, मार्कर कहाँ गया, ये रहा मार्कर, ओहो लाल मार्कर आ जाता है ये, चलो लाल मार्कर से, ये मार्कर जो है ना मेरा, ये खून का प्यासा है, और अब देखो ये बताएगा आपको सही सही बात। 8100, देखा खून का प्यासा था, रेड रेड लिख रहा है ये। 8100 डिवाइडेड बाय अंडर मतलब कम, तो डिवाइडेड बाय 90 × 10। ओहो, अगर अंडर वैल्यूड बाय 20% होता तो डिवाइडेड बाय 80 × 20। अगर 5% होता तो डिवाइडेड बाय 95, यानी 100 में से माइनस करेंगे, जितने अंडर वैल्यूड है उससे माइनस करके नीचे और ऊपर जो परसेंटेज हमें चाहिए। समझ में आया ना बात। अगर मान लो 2% होता तो सर डिवाइडेड बाय 100 में से 2, 98 और इंटू में 2। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में तो आ गई। तो 8100, अब इसको काटो एक बार फटाफट फटाफट फटाफट। ओहो सर ये तो 900 है, वहां तो 810 आ रहा था, यही तो बात है यहाँ पे, समझने वाली बात तो यही है। अब मैं अपने खूनी मार्कर को हटा देता हूं। चलो एप्रिसिएशन है ना, आपका फेवरेट कलर, एप्रिसिएशन, कितना एप्रिसिएशन होगा, 900 रुपये, और यहाँ कितने बढ़ जाएंगे, 900। तो अब बताओ मुझे क्या होना चाहिए सर, बैलेंस शीट में तो हम जब बनाएंगे तो यहाँ 9000 आएगा, और ये तो हम टोटल करके देख लेंगे वो। अब बताओ एक डेबिट होगा एड इन स्टॉक और एक क्रेडिट होगा, और बस मैं यहाँ देखा चालाकी, बस दो जगह वैल्यू चेंज करी और मैंने पूरा कर दिया। आपने नहीं करना ऐसे, आपने पूरा नोट करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, और ये नंबर फोर था, ये नंबर फोर था, ये याद रखना। चलिए अब इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए, नोट करिए। एक बच्चा कह रहा है सर पेपर में तो कैलकुलेटर ले जाना है कि नहीं ले जाना, सर हम तो घर पे मोबाइल से कर लेते हैं। तो देखो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं, लास्ट ईयर का, नोट करते रहना सुनते रहना। लास्ट ईयर क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, बहुत ही ब्रिलियंट था, तेज था, माइंड बहुत शार्प था, मैं क्वेश्चन करता था, सब करके ले आता था। उसके साथ उसका जो दोस्त था वो थोड़ा सा उससे कम होशियार था, जो तेज स्टूडेंट था और थोड़ा कम होशियार था। तो हुआ क्या, तेज स्टूडेंट क्या करता था, थोड़ा सा आलस कर जाता था, उसे लगने लग गया कि अरे ये सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन जो थोड़ा कम होशियार था वो मेहनत करता रहता था। तेज जो स्टूडेंट था उसने क्या करा, जो नालायक स्टूडेंट था, नालायक तो नहीं थोड़ा कम होशियार था, उसने कहा कि यार मैं तो कैलकुलेटर से कर लेता हूँ कैलकुलेशन, मेरे से बस की नहीं है। तो जो तेज बच्चा था उसके माइंड में भी थॉट आया, यार मैं क्यों करता हूँ, मैं भी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। मैं क्लास में बोलता रहा कि भाई कैलकुलेटर यूज मत करो, लेकिन वो जो बच्चे थे दोनों, जो कम होशियार था वो तो समझ गया सर की बात माननी पड़ेगी, जो दूसरा था वो बोलता है कि अरे मैं तो होशियार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, हमेशा फर्स्ट आता हूँ, क्या दिक्कत है, करके आ जाऊंगा। बोलता था यहाँ बोल रहे ना क्या दिक्कत है, घर पे होमवर्क देता था, निकाला मोबाइल फोन, टक 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 मोबाइल फोन पे फटाफट फटाफट फटाफट, और अगले दिन होमवर्क डन। अब मुझे क्या पता कैलकुलेटर से किया कि नहीं किया, वो तो बच्चे का ईमान जाने और वो जाने। और दूसरा बच्चा आधा करके लाता था, सर टोटलिंग रह गया, अभी टोटलिंग करके देता हूँ। मैं दूसरे बच्चे को बोलता था हमेशा चलो करो टोटलिंग, लेकिन मुझे गुस्सा भी आता था यार टोटल करके नहीं लाया ये, और जो करके लाया था मैं बोलता था बड़ा अच्छा बच्चा है। लेकिन
जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम में जो मेहनती बच्चा था, जो थोड़ा कम होशियार था, उसने तो पूरे साल हाथ से ही करी कैलकुलेशन मेरी बात को मान के, और जो दूसरा बच्चा था उसने पूरे साल मोबाइल फोन घर पे कैलकुलेटर तक खरीद लिया उसने तो, उससे करा, और एग्जाम में जब कैलकुलेशन करने बैठा पूरा क्वेश्चन तो कर दिया लेकिन कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहा था, वो करने में ही टाइम निकल रहा था, और रिजल्ट क्या हुआ उसका, 25% पेपर ही छूट गया, क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन था, करने बैठा तो कैलकुलेशन का पार्ट है, करता रहा ओहो, और करते करते पता चला एडमिशन में ही उसने 1 घंटा निकाल दिया। लेकिन जो मेहनती बच्चा था, कम समझदार था, एक क्वेश्चन छूटे उसके 2 नंबर के, और जो समझदार बच्चा था उसको आता पूरा पेपर था लेकिन 25% छूट गया। अब मुझे जवाब दो, नंबर किसके ज्यादा आएंगे, जिसको पूरा पेपर आता था और जिसने थोड़ा स्मार्ट बनने का कोशिश किया, या जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, जवाब अटेम्प्ट किया है, तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, उसके जो 25% नंबर कम हुए ना, रीजन कैलकुलेटर की वजह से। तो सेम आपके भी साथ ऐसा हो सकता है ये घटना, आप ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, आपके साथ ऐसे ही हैपनिंग हो सकती है, इसलिए इससे बचे और ध्यान रखें कि ऐसी गलती ना करें। कितना भी मन करे, मोबाइल फोन पे क्लासेस देख रहे हो, कितना भी मन करे कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, लेकिन ये कहानी याद रखना, आप उस बच्चे का एडमिशन कोरेस्पोंडेंस में हुआ, होशियार वाले का, और जो होशियार नहीं था वो रेगुलर में मजे कर रहा है इस टाइम पे। तो बस यही चीजें हैं कि जो कई बार दूसरे आपके दोस्त होते हैं, वो तो बेचारा होशियार अपना कर रहा था लेकिन उसके दोस्त ने एक दिन मोबाइल पे करके दिखा दिया, उसने सोचा ये तो बड़ा अच्छी चीज है और उसमें रह गया। तो जल्दी जल्दी नोट कर लिया होगा आपने, आई होप। अब हम एडजस्टमेंट अगले पे चलते हैं, ठीक है? चलिए इसका भी फिफ्थ पार्ट करते हैं एक हम, अब है ना, इसका भी फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं एक। देखो एप्रिशिएट और इंक्रीज दोनों का मतलब एक ही है, और डेप्रिशिएट और रिड्यूस दोनों का मतलब एक ही है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मशीनरी की एडजस्टमेंट को मिटा देता हूँ, है ना। ये लो, मैंने एडजस्टमेंट लिखा फिफ्थ पार्ट में कि मशीनरी इंक्रीज 11,000। टू और बाय का बहुत मीनिंग है। अगर मैं बोलता बाय 11,000 तो मतलब अलग होता। तो मशीनरी इंक्रीज टू 11,000, टू का मतलब होता है अब 11,000 का मशीनरी है। लेकिन यही लिखता मैं बाय, तो मशीनरी को बढ़ा दो 11,000 से, दोनों में डिफरेंस देखना। अगर बाय लिखता तो हमारा मशीनरी होता 21,000 रुपए का, जैसे कि डेप्रिशिएट एप्रिशिएट होता है। लेकिन अगर मैं टू लिखता हूं तो अब मेरा मशीन 21 का नहीं है, अब 11 का ही है। सर कंफ्यूज कर रहे हो, दोबारा बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने बोला मेरा मशीनरी इंक्रीज टू 11,000, 11,000 इंक्रीज टू 11,000, तो इसका मतलब है मेरा मशीनरी अब 11,000 रुपए का है। तो पहले कितने का था, 10 का, अब कितने का है, 11 का। तो मेरा मशीनरी कितने से एप्रिशिएट हो गया या इंक्रीज हो गया, 1,000 से, अब कितने का है, 11 का है। तो मशीनरी का फायदा कितने का हुआ, 11 का। इतना समझ में आया ना। सेकंड एस्पेक्ट, अगर मैं बोलता बाय तो इसका मतलब होता मेरा मशीनरी बढ़ गया 11,000 से, तो पहले कितने का था, 10 का। अगर मैं बोलू 11,000 से बढ़ गया तो यानी 11,000 प्लस करके 21 करता, और यहां पे कितना करता मैं, 11,000 रुपए से इंक्रीमेंट। समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट है इसके अंदर बाय और टू। तो मैंने देखो अलग अलग एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश करी है, भूलना नहीं है,
कहीं मेरी नाक कटवा दो एग्जाम में। सर आपने तो कराया ही नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान काम यही होता है बोलना। चलिए अब एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। बताइए डेबिट क्या होगा? सर डेबिट होगा एड इन मशीनरी एंड क्रेडिट होगा हमारा रीवैल्यूएशन, है ना? बताओ रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका बताओ नेचर क्या होता है? सर नॉमिनल होता है। चलिए एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन कितने से? 1,000 से, 1,000 से। फटाफट नोट करिए अब आप इसको, मशीनरी फिफ्थ पार्ट। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट पे चलेंगे, एक बार इसको नोट करिए, फिर थर्ड पे चलते हैं फटाफट। कर लिया नोट इसका ना? एक और पार्ट सिक्स करते हैं, ठीक है? एक और पार्ट में करने जा रहा हूं। ओहो ये ऐसे ही बता देता है, चलो कोई नहीं, मशीनरी पे ही ले लेते हैं। मैं मशीनरी को यहां से मिटा देता हूं, और मैंने बोला है हाँ मशीनरी, नाउ वैल्यू इसका हिंदी क्या है? मशीनरी अब जो वैल्यू है एट 125%। इसका मतलब कि अब मशीनरी की जो वैल्यूड होनी चाहिए 125% होनी चाहिए, ठीक है ना? तो 100 से ऊपर भी हो सकता है। यहां अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट मत सोचना दिमाग में। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है सर मशीनरी मेरा कितने का है? 10,000 का, और ये होना कितना चाहिए? 125%। तो इसका 125% अगर निकालें हम तो क्या होगा? 12,500। तो सिंपल सा लॉजिक सोचना कि पहले मशीनरी 10 का था, अब कितना होना चाहिए? 12,500। तो यानी बढ़ गया। कितने से बढ़ा मशीनरी? बोलोगे सर ऐड हो गया हमारा, एप्रिशिएट हो गया। कितने से? 2,500 रुपए से, है ना? और दूसरा मशीनरी में कितना आ जाएगा हमारा? 2,500 रुपए आ जाएगा। लैंग्वेज है अलग अलग, देखो कहने का तरीका है। और इसकी दो एंट्री करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? एक करेंगे डेबिट और एक करेंगे क्रेडिट। डेबिट कहां करेंगे? एड इन मशीनरी, और ऐसे भी बोल सकता था ये मशीनरी मार्केट वैल्यू एट 125%। मार्केट वैल्यू भी यूज किया जा सकता है, इंक्रीज भी यूज कर सकते हैं। एड इन मशीनरी, देखो मैंने ऐड किया है मशीनरी में, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो क्रेडिट साइड है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट में जा रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? तो एक आपके लिए एक छोटा सा और सिक्स एडजस्टमेंट बना दिया, क्योंकि मेरी कोशिश है कि एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट आए छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? अब चलिए फटाफट इसको नोटिंग करिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर एडजस्टमेंट नंबर थर्ड पे चलते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके। ज्यादा नहीं है, आप सोचोगे सर 18-19 है, नहीं 3-4 इसके होंगे आपके, उसके अंदर पार्टीशन है और एक दो लाइबिलिटी होंगे, बस करिए फटाफट नोट। कर लिया नोट? हाँ सर। चलिए अब हम थर्ड पे आते हैं जो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। वैसे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम नोट्स भी तो बना रहे हैं ना, तो नोट्स बना रहे हैं तो हमें लिखना तो पड़ेगा। ये हमारा बैलेंस शीट है और ये हमारा रीवैल्यूएशन है, ठीक है? हाँ
मैंने बोला थर्ड एडजस्टमेंट, हेडिंग है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट। आप जानते हो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होता है? कई बार हम एसेट्स को लिखना भूल जाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। जैसे मान लो मैं लैपटॉप भी खरीद के लाया, माउस भी खरीद के लाया, और कीबोर्ड भी खरीद के लाया। मैंने अपने बिजनेस में लैपटॉप की तो एंट्री करवा दी, लेकिन माउस की एंट्री करना भूल गया, तो क्या मेरा माउस एसेट्स है या नहीं है? है। मुझे एक साल बाद याद आया कि वो माउस भी तो यार लिखा ही नहीं मैंने बैलेंस शीट में, लैपटॉप में ऐड करना था। तो वो एसेट्स अब जो ऐड करूंगा वो एसेट्स होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो मैंने बोला एक ही है, ज्यादा नहीं है इसमें लूंगा मैं, एक पॉइंट ही करा के खत्म हो जाएगा। मैंने बोला अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रुपीस 4000। अब मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? अब दो आस्पेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है मे बी प्रोबेबिलिटी के पहले से एक फर्नीचर हो यहां 20,000 रुपए का, अब ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 4000 है। तो दो आस्पेक्ट हो सकते हैं इसके कि सर आप इस फर्नीचर में ऐड कर दो इसे। दूसरा, मान लो पहले से फर्नीचर ही नहीं है और अब अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आया है, तो हम यहां पे सिंपल डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। आप मुझे बस इतना सा बताना कि इस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का मतलब है कि वो फर्नीचर जो मेरे पास इतने का होना चाहिए और उसे मैं लिखना भूल गया, तो ठीक कैसे करोगे इस एरर को? सर सिंपल सी बात है, आप फर्नीचर लिख दो ना यहाँ पे, ऐड कर दो अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं फर्नीचर, और आप ऐड कर दो ना 4000। क्यों इतनी टेंशन लेके बैठे हो आप? मैंने बोला यही तो पूछना चाहता था बस आपसे। अब बताओ दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? एसेट्स पे फर्क पड़ा है नहीं पड़ा? सर पड़ा तो है। तो बढ़ा या घट गया? सर ये बढ़ गया है। तो रिवेल्युएशन में कहाँ जाना चाहिए एसेट्स बढ़ने के बाद? क्रेडिट साइड में फायदा है, तो बाय अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 4000, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया मैंने, ठीक है ना? उसका ध्यान देना, URF कर दिया मैंने। अब बताओ दो जगह एंट्री, सर एक डेबिट हुआ है और एक क्रेडिट हुआ है। डेबिट कहाँ पे हुआ है? ये बैलेंस शीट में हुआ है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, एसेट साइड। क्रेडिट कहाँ हुआ है? सर ये रीवैल्यूएशन में हुआ है। हम ना भी एसेट्स की कर रहे हैं, लाइबिलिटी पे भी हो सकता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लेकिन जब लाइबिलिटी का करेंगे तब नोट्स बनाएंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। अब जनरल एंट्री बता दो। अब आप सुंदर सुंदर लिखना है, देखो मैं भी सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइटिंग अच्छी है नहीं लेकिन कोशिश तो कर ही रहा हूं, आपकी तो फिर भी अच्छी राइटिंग है। देखिए एंट्री होगा अनरिकॉर्डेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन, और अमाउंट आएगा 4000, 4000। बीइंग क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ₹4000, दैट्स इट। समझ में आया? तो देखो एसेट्स पे एप्रिसिएशन भी देख लिया, डेप्रिसिएशन भी देख लिया। कुछ एप्रिसिएशन के वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, लिखना चाहो तो कहीं लिख लेना अपने रजिस्टर पे। एप्रिसिएशन को हम इंक्रीज भी बोलते हैं, और एप्रिसिएशन को हम एप्रिशिएट तो बोलेंगे, इंक्रीज भी बोलेंगे। और कई बार क्या हो सकता है कि वहां पे मार्केट वैल्यू बढ़ा चढ़ा के दिखा दे, ठीक है? डेप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन तो बोलते हैं, रिड्यूस भी बोल सकते हैं। ये दो बात याद रखना, एप्रिसिएशन को इंक्रीज भी बोल सकते हैं और डेप्रिसिएशन को रिड्यूस भी बोल सकते हैं। बाकी ये समझ में आया नहीं आया, मतलब मन से बोलो भाई कि समझ में आया ही नहीं आया।
कि आपका फर्नीचर ये था और उस पे अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ये आया। तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर जब आया है तो मेरा एसेट्स बढ़ गया है और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया, क्योंकि फायदा है। और इस साइड में दो जगह मैंने एंट्री करके दिखा दिया, ठीक है ना, क्लियर है। फिर भी ना आए तो मेरा फोन नंबर तो होता ही है, आप करिए कॉल और मुझसे उसी टाइम इंस्टेंट पूछ सकते हैं क्लास देखने के बाद कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया देखने के बाद, तो मैं तो आपके लिए हमेशा हूँ। जल्दी से नोट करिए, फटाफट जल्दी जल्दी नोट करिए आप।